लेकिन सभी को नींद नहीं, लेकिन आपको कैसे नींद आ गई? वो टॉनिक लिया था। अच्छा टॉनिक लिया था, अच्छा भाई ने टॉनिक लिया था। ठीक तो हम रुके थे रात को इस टेंट में, और इस टेंट के ऊपर बहुत सारी बर्फ है क्योंकि रात को हुई थी बर्फबारी, जिसके छोटे मोटे ट्रेसेस जो हैं हमारे यहाँ पे दिख सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जो बर्फ़ है वो यहाँ पे गिरी हुई है, और ये देख सकते हैं आप बर्फ़। तो बर्फ़ हमारा टेंट, ये बर्फ़। तो हम कुल मिला के इतने ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में सो रहे थे कि भाई हालत ख़राब हो गई थी। रात को इतनी ठंड लग रही थी कि मन कर रहा था कि अभी घर चलें और अपने कंफर्ट जोन में वापस जाके वहाँ सोएं। नाइट के बारे में बताऊं भाई, हालत ख़राब हो गई। एक काली रात थी, आप ये समझ लो। ऐसा लग रहा था कि अभी जम जाएंगे, सांस भी नहीं आएगी, ऐसी फीलिंग आ रही। इतने क्रैम्प्स आ रहे थे पैरों में डिहाइड्रेशन की वजह से एंड ठंड की वजह से, क्योंकि कल हमने 3.5-4 किलोमीटर्स की हमने ट्रैकिंग की, और उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे जूड़ा के तालाब पे। हालत ख़राब हो गई पूरी रात भर। तो मेरे बहुत पैर दुख रहे थे, पर मेरी टेंटमेट काफ़ी अच्छी थी तो उसने मुझे वॉलिनी लगा के दिया, मेरे पैर भी दबा के दिए। बाकी ये लोग पहले तो सो रहे थे, बाद में बकबक करने लगे तो उन्होंने सोने नहीं दिया। फिर बाजू वाले टेंट वाले पहले सो रहे थे, फिर वो बहुत ही बकबक करने लगे तो उन्होंने पूरी रात सोने नहीं दिया। बाकी आपकी रात कैसी थी? ठंड तो थी, ठंड बहुत। मेरे को सर आपकी रात कैसी थी? मेरे को प्लीज बताइए। मेरे को स्लीपिंग बैग बहुत गर्म लगा, तो मैंने रात को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था, 3 बंदे टेंथ में, और फिर ऐसे मतलब फिर ये स्लीवलेस पहन के स्लीवलेस पहन मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, मैं इनर में आया तब मेरे को रिलैक्स हुआ थोड़ा, हमने खिड़की खोला। बॉयज वे टू हॉट, अच्छा वे टू हॉट ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बस होता है कि हम कल बहुत एक्सरसाइज करा, चले या खाना खाया तो उससे गर्मी बन जाती है शरीर में। और रात को आई, पूरे रास्ते में नहीं आई। मस्त थी, मजा आ गया। अब मेरी नींद पूरी हो गई, बस बेस्ट है। लेकिन सभी को नींद नहीं, लेकिन आपको कैसी नींद आ गई? आ जाती है। अच्छा टॉनिक लिया था, भाई ने टॉनिक लिया था। टॉनिक लिया था। आपकी नींद के नींद ने मेरी मेरी रात तो हुई नहीं, क्योंकि सारी रात तो मैं ठंड की वजह से जगी ही रही। लाइक -15 डिग्री सेल्सियस एंड द स्लीपिंग बैग वाज नॉट इनफ टू मेक मी हॉट एंड पूरी रात। हाँ थोड़ी व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए थी, जिससे एटलीस्ट थोड़ी गर्म हो जाए। बिल्कुल भी बहुत ही बिल्कुल भी गर्म नहीं थी, और रात भर नींद ही नहीं आई है। तो जय हिंद बोलने के बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की, और हम लोग जा रहे थे केदारकुंडा बेस कैंप के लिए। रास्ता जो था बहुत ही ज़्यादा बर्फीला था और हमारे पैर बार बार फिसल रहे थे वहाँ पर। मैं दिखाता हूँ, रुको आपको। जैसे ये हमारे नीचे मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी के नीचे क्या है ना कि आपको आइस है। अब चल रहे हो तो बड़ा ध्यान से लगेगा, तो ऐसे लगेगा जैसे मिट्टी है, लेकिन वास्तविकता में इसके नीचे है आइस। आप लोग जो ये देख रहे हो, यहाँ से जो है ना, ये वाली पूरी ट्रेल है, यहाँ से हमें जो है ऊपर की तरफ जाना है। सूरज की चुम्मी नहीं आ रही भाई, थोड़ी सी चुम्मी पूरी नहीं निकालनी है ना। ऑरेंज ऑरेंज को पहनना है उसका। जा रहे हैं केदारकुंडा कैंप के ऊपर, और हमारे पीछे आप देख सकते हो तगड़ी वाली आइस है बहुत ज़्यादा, और जो ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने कुछ पैरों में पहन रखा है ये इस तरह के, जैसे देख सकते हो, इससे थोड़ी सी ग्रिप मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए। हम 1 घंटा हुआ चढ़ते हुए, लेकिन भाई साहब अभी हालत ख़राब है। हमारे पीछे देख सकते हो पूरी की पूरी आइस जमी हुई है, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं बेस कैंप की तरफ। तो अभी देखते हैं हमारी हालत और कितनी पतली होती है, सो लेट्स सी। आइस इतनी फ्रेश लग रही है कि उसमें 1-1 फीट तक पैर आपका अंदर जा रहा है। तो वही थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा पानी पीते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको कुछ पहाड़ियाँ बताता हूँ। मेरे जस्ट सामने की तरफ हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हैं।
ये ऊपर की तरफ जो है हमें चढ़ना है यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर। तो हम लोग अभी सेकंड मैगी पॉइंट पे आ चुके हैं केदारघंटा बेस कैंप के लिए, आराम करके कर चल रहे हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और आईसीआई से इतना स्लिपरी भी हो रखा है कि भाई बहुत धीरे धीरे चढ़ो नहीं तो फिसल जाओगे। पर जो चढ़ाई है वो इतनी स्टीप है कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स रियली वेरी टफ एक्चुअली। हेलो एवरीवन, हाय हाय, चलें लेट्स गो। ये पैर में कितना जा रहा है? ओ भाई, ओ भाई, ओहो इतनी चली गई, ओ भाई गजब, काफी ज्यादा चली गई। नहीं तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारघंटा बेस कैंप के ऊपर, और अब आपको बहुत सारा एक सुंदर सा नज़ारा बताते हैं यहां से कि केदारघंटा कैसा दिखाई देता है, केदारघंटा बेस कैंप जो है वो कैसा दिखाई देता है एक्चुअली। सो हियर नमिता नीचे उतरते हुए। तो अभी हम लोग बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं, हम लोग जुड़ा के तालाब से निकले थे लगभग 10 बजे करीब करीब, और यहाँ पर 12:15 पहुँच गए, तो 2-2.25 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। और यहाँ पे जो है स्नो जो है बहुत अच्छी वाली है, और सबमिट जो है वो कल सुबह 2:30 बजे करीब करीब जो है स्टार्ट होगा। और यहाँ से जो हिमालयन व्यू का नज़ारा है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही रमणीय, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल प्लेस है ये, दिस इज़ द वंडरफुल प्लेस। लेकिन स्नो के लिए यहाँ आना, जो ट्रेल्स है वो बहुत ज़्यादा टफ है, फिसलन भरे रास्ते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है तो आप आसानी से आ जाओगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, हर 15-20 मिनट पे आपको सांस लेके चलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा एंड फलाना फलाना डिम का। बट यहाँ आना वर्थ है, जब यहाँ पे आते हो और इसकी खूबसूरती को आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोमेंट यू वॉन्टेड टू लिव। नमिता आप कुछ कहना चाहते हो? बस अभी वैसे मुझे रिलैक्सिंग फील हो रहा है क्योंकि हम पहुँच गए हैं और यहाँ हमने कहीं सूखी जगह ढूँढी है जो बैठने के लिए, और डर लग रहा है रात को लेकर क्या होगा, रात को लेकर क्या डर लग रहा है, क्या होगा रात को, कल इतना ठंडा था -15 गया था तो आज क्या होगा। तो आपको रात को तो सोना ही नहीं है, आपको तो पैदल पैदल चलना है, और क्या होगा। सो नमिता इज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द जर्नी टूवर्ड्स केदारकंठा पीक, पर देखते हैं सब कुछ ठीक ही होगा। अभी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, -15, और जब हम सुबह मॉर्निंग में जाएंगे तो शायद -20 के करीब करीब टेम्परेचर रहेगा। तो लेट्स सी, अभी कुछ खाने पीने का टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, तो कुछ खा पी के आते हैं। तो ये हमारा टेंट है, और इस टेंट के बाहर जो है बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है, और इस सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, और पानी की वजह से चारों तरफ कीचड़ हो गया टेंट के चारों तरफ। लेकिन खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल मस्त है। पर और ये बनाया है हमारे गुजरात के कुछ भाइयों ने स्नोमैन, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो कल जो है हम लोग केदारघंटा पीक के ऊपर जाने वाले हैं, और वो पीक जो है मैं आपको दिखाता हूँ वो वहाँ पर है ऊपर की तरफ। केदारकंठा की इन वादियों में अगर आए हैं और बर्फ़ के साथ नहीं खेले तो फिर क्या खेले। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की और बहुत धमाल किया यहाँ पे। तो इनका नाम है मिस्टर राणा, और ये जो है हमारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर हैं, और ये पूरा हमारा ग्रुप है, और इनको ये बता रहे हैं कि समिट पे जाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए प्रिपेयर तैयारी अभी कर देना, और खाया खाना डिनर जैसे होगा सब फ्लैट क्लोज हो जाना, हल्ला गुल्ला जो होगा उनको सुबह बोले भाई तू यहीं रहना मजे से, तू क्या सुबह बोलेंगे भैया ये हो ना, फिर गर्म पानी में डालना है, निकालना और गर्म ही पहनना है, चलना है मतलब 100 मीटर, उसके बाद हार्ट हो जाता है। तो सबसे हिल उठाना है और हिल के नीचे, ठीक है हिल, क्योंकि मैंने नहीं पहले आपका सॉक्स प्रॉपर लेस बांध के, उसके बाद आपका गेटर।
तो राणा जी ने जो समझाया वो शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप मेंबर हैं, उनके साथ आपको रहना है। दूसरा क्या है कि फ़ोन और मोबाइल और कैमरा जो है केदारकंठा समिट पे बहुत सारे घूमते हैं, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्लाइड नहीं करना है जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए, वरना बहुत डेंजरस हो सकता है स्नो पर स्लाइड करना। तीसरा है कि जब टेंट जो होता है उसको क्लोज़ करके जाना है, नहीं तो कुत्ते चले जाएंगे उसके अंदर। दूसरा है रात को 2:30 बजे आपको उठना है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और उठ के तैयार हो जाना है। और तीसरा, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपके लीडर को बता देना है। यहाँ की मैं आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि भाई इस जगह का नाम केदारकंठा क्यों पड़ा। तो पौराणिक कथाओं में और लोकल किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिवजी तपस्या कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन जब वो अपनी तपस्या में लीन थे तब कोई गाय बोल जाती है और ऐसा कुछ शोर हो जाता है, उसकी वजह से उनकी तपस्या में व्यवधान आता है। तो फिर वो यहाँ से छोड़कर फिर आज जो जहाँ पे केदारनाथ है वहाँ जाके वो बस जाते हैं। तो जब यहाँ पे उनकी तपस्या चल रही थी तो उनका जो मंदिर था वो कंठ तक ही बन पाया था, इसीलिए इस जगह का नाम हो गया केदारकंठा। तो अभी जो है शाम के 7:30 बज रहे हैं और अंधेरा जो है वो बहुत गहरा हो चुका है, ठंड इतनी गहरी है ना, ठंड का मेजरमेंट तो एग्जैक्टली -20 करीब होगा। लेकिन मैंने अभी क्या किया था कि रुमाल लिया और रुमाल गीला हो गया था मेरा, और रुमाल को ऐसे 5 बार ऐसे हवा में ऐसे झटका, 5 बार हवा में झटका तो यकीन नहीं करोगे कि वो पूरा रुमाल जम गया था। तो मतलब इस लेवल का जो है यहाँ पर ठंड है। तो अभी हम लोग अपने कैंप में आ चुके हैं और कैंप में अभी सोने का पूरा विचार है, क्योंकि रात को हमें 2 बजे उठना है और 2 बजे उठ करके 3 बजे जो हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है केदारकंठा पीक के लिए, समिट के लिए। और वहाँ पे सबने बोला कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी और लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता रात को 2:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब हमें स्टार्ट करना है। तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है ये राउट हमारे लिए। तो अभी हम कल 26 जनवरी है, तो कल 26 जनवरी जो है हम 13,000 फीट के ऊपर मनाएंगे केदारकंठा पीक के ऊपर।